जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हमारा खास और मुख्य ध्यान रहने वाला है बृहस्पति के वक्री होने के बारे में, कि बृहस्पति वर्ष 2022 में 13 अप्रैल 2022 को स्वराशि के होकर मीन राशि में प्रवेश कर गए। साल भर तक बृहस्पति इसी राशि में रहते हैं। अब 28 जुलाई से 23 नवंबर तक बृहस्पति रहेंगे वक्री, रहेंगे अपनी ही स्वराशि के अंदर, लेकिन अब ये वक्री होकर चलेंगे। और शास्त्र की अगर माने कि वक्री ग्रह आखिर है क्या, तो इसके बारे में मैंने बहुत अलग वीडियो बनाई भी, आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वक्री होने का एक बहुत मोटे तौर पर जो लॉजिक है, जो मुझे बहुत समझ में आया, जिसको मैंने गोचर में भी लगा के देखा, दशा में लगा के देखा, लोगों की कुंडलियों पर देखा, कि जब जब प्लेनेट कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण स्थान में उच्च के या स्वराशि होकर बैठ जाते हैं, या अच्छे ग्रह को स्वामी होकर वहाँ बैठ जाते हैं और वक्री हो जाते हैं, तो प्लेनेट के बल देने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। यही नियम गोचर में भी लागू होता है के राशि से दसवें घर में, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि मिथुन है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हुआ है, या आपको पता ही नहीं है कि मेरा बर्थ कब हुआ और आपका बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको हेल्प करने वाला है कि मिथुन राशि से दसवें घर में बृहस्पति हंस योग के साथ चल रहे थे, अब ये प्लेनेट वक्री हो गए इसी भाव के अंदर। और वक्र ग्रह शक्त होता है, शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये सूर्य से आभाव से दूर रहने के कारण बृहस्पति शनि और मंगल वक्री होते हैं। जब जब सूर्य इनसे 180 से लेके 240 डिग्री के बीच में दूर रहते हैं, लगभग 150 समझ लीजिए, 150 से लेके 220-30 डिग्री तक भी अगर प्लेनेट की मूवमेंट आती है, सूर्य इनसे इतने डिग्री दूर रहते हैं, तो ये वक्री होते हैं। इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, गुरु शनि और मंगल को। तो जब जब ब्रह्मांड में ये ग्रह वक्री होंगे तो ये नियम लगेगा, यानी सूर्य से दूर रह के हर कोई खुश है। आप सूर्य की तरफ देखना शुरू कर दो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप सूर्य की तरफ नज़र मत मिलाओ अपने काम से काम, या सामने देखो नीचे देखो, तो आपको क्या होगा, आंखों में कोई धुंधलापन या प्रॉब्लम नहीं होंगी। यानी सूर्य वो ग्रह है जो ज़्यादातर अकेला बैठना पसंद करता, और किसी के साथ हुआ तो उसे कंबस्ट करेगा, उसे अस्त करेगा, उसे परेशान करेगा। यहां सूर्य से दूर रह के ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सूर्य पावरफुल हो रहे हैं, सॉरी बृहस्पति पावरफुल हो रहे हैं। तो सूर्य से दूर रहने के कारण ये वक्रत होता है, और ग्रह वक्रित हो तो शक्त कहलाता है, शक्तिशाली कहलाता है। रिपीटेशन देना, किसी भी कार्य का दोहराव इनके पास आता है। 4 महीने के लिए बृहस्पति वक्री रहेंगे, दशम भाव में वक्री रहेंगे, कर्म स्थान में वक्री रहेंगे, तो रिपीटेशन ऑफ वर्क, किसी भी कार्य का बार बार दोहराव से लाभ लेने का योग, कि आपको ये प्लेनेट आया, इसने आपको फायदा दिया, फिर से आपने आपको इसी तरीके का फायदा दिया, किसी व्यक्ति विशेष से मिलाया, उसके साथ काम दिया, फिर ऐसा ही कोई व्यक्ति विशेष फिर लाइफ में आया, उसने किसी दूसरे को बताया, फिर तीसरे चौथे को बताया, और आपके काम का प्रचार प्रसार हो गया। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन वर्क को बढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि ये दशम भाव में है, अपनी स्वराशि का है तो भाव का नुकसान तो नहीं करेगा, और भाव का मालिक जो बृहस्पति है वो यहाँ स्वराशि के होकर वक्री हो गया, यानी फल देने में क्षमता बढ़ गई। अगर आप सिर्फ प्योरली या बृहस्पति को समझना चाह रहे हैं तो ये फल देने में इसकी क्षमता को बढ़ा रहा है। ऐसा ग्रह कार्य क्षेत्र में तरक्की उन्नति कराना, कार्य का विस्तार करना, नए काम की शुरुआत के लिए भी अच्छा समय है, कि कोई नई योजना लागू करना चाह रहे हैं, कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नई नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं, कि काम में प्रॉब्लम आ रही है, टारगेट पूरा हासिल नहीं हो रहा, जितना टारगेट सेलेक्ट किया था उतना पूरा नहीं कर पा रहे, काम के अंदर लगता तो है कि बढ़ोतरी होगी लेकिन वो लग नहीं रहा कि कब होगी, इस वक्री होने के दौरान काम में बढ़ोतरी हो जाएगी, काम का वो लोड बढ़ जाएगा, काम आपके पास ज़्यादा आने लगेगा, अब आपके काम सुचारू रूप से चलेंगे और सडन गेन की तरफ चलेंगे, अचानक से तरक्की होती दिखाई देगी इस बृहस्पति के वक्री होने पे, क्योंकि दशम का बैठा हुआ बृहस्पति धन भाव को धन का कारक होते हुए देखता है।
मिथुन राशि वाले अधिकतर योजना बनाने में बहुत ज़्यादा आगे देखे गए हैं। एक तो इनकी राशि के मालिक बुध, बुध यानी बुद्धि, लॉजिक, तर्क, व्यापार, समझदारी, बोलचाल, और वायु तत्व राशि होने के कारण दार्शनिक सोच रखते हैं, दूर की सोच रखते हैं। सुन सबकी लेते हैं लेकिन कंक्लूजन निकाल के अपने मन की बात को उसमें ऐड करके हासिल करते हैं। इसको कहते हैं पक्का दिमाग होना, कि सोच ऐसी है कि भैया बिल्कुल बनिए वाली सोच है, कि मैं अपने जीवन में ऐसी सोच रखता हूँ जिससे मैं जीवन में आगे बढ़ूँ। अब आपको व्यापार कराने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो दशम कर्म भी मजबूत, बुध भी राशि का मालिक हो गया, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, और वो भी प्लेनेट वक्री हो। अब यही बृहस्पति चौथे घर पर भी दृष्टि देता है, यानी ये वो समय है जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और उसमें फ़ायदा ले लो। धन कमाना, पैसा आना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, धन संचय होना, पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो बृहस्पति की पंचम दृष्टि से यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस से संबंधित सेक्टर बृहस्पति के पास है, एजुकेशन से संबंधित सेक्टर बृहस्पति के पास है, जहाँ पैसों के संबंधित लेन देन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो खाने पीने से संबंधित होता है, उनसे संबंधित कोई काम हो तो आपके लिए बृहस्पति अच्छा है। अब ये बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होते हुए शनि से दृष्ट है, यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि शनि भी उस दौरान वक्री रहेंगे। 23 अक्टूबर तक शनि भी वक्री रहेंगे और फिर मकर में ही रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी और ये शनि उस दौरान वक्री भी रहेंगे और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में भी होंगे, यानी बृहस्पति के ऊपर शनि का प्रभाव। अष्टम से बैठ के जब तीसरी दृष्टि बृहस्पति और दशम भाव और दशम भाव के मालिक पर पड़ती है, तो वर्क के अंदर टेंशन को तो ये योग बढ़ाएगा। ये कॉम्बिनेशन समय समय पर आपकी परीक्षा लेगा। अच्छी बात आपके लिए है कि कर्म का मालिक कर्म है, कि भैया कर लो, अगर परेशान करना है कर लो, अगर हमारी परीक्षा लेनी है तो आप ले लो, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और उस परीक्षा में हम सफल भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी शनि की दृष्टि और शनि के नक्षत्र में होना और शनि का अष्टम में होना वर्क लोड बढ़ाता है, वर्क में टेंशन बढ़ाता है, काम लगता है कि होगा नहीं, टफ हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, लेकिन फाइनली काम होता नज़र जरूर आएगा, क्योंकि दशमेश दशम में है और दशमेश कहता मैं वक्री होकर मजबूत हूँ। इसलिए कर्म भाव में बैठा हुआ ग्रह वक्री होकर मजबूती ही देता है। तो आने वाला जो चार समय है, बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर दशा अगर प्रत्यंतर आपको चल रही है तो ज़्यादा फायदा मिल सकता है, अन्यथा गोचर का जो ये नियम है ये आपके लिए सटीक है कि मिथुन राशि वालों का कर्म भाव फल रहा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल रही है, कार्य क्षेत्र में उन्नति के चांस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर है, भले ही शनि की ढैया का प्रभाव आपको यहाँ परेशान कर रहा हो, फिर भी कर्म क्षेत्र मजबूत है तो तरक्की भी मजबूत ही होगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा बृहस्पति का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।